Assalamu alaikum students, I hope you're fine and good. और आज की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है वो है IBA Karachi Scholarship for the students. इसमें मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करूँगा कि IBA Karachi में कौन कौन से ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नीडिंग एंड डिजर्वेबल टू IBA Karachi Scholarship for the students. सो इसमें दो कॉन्टेंट मैंने आपके लिए सॉर्ट आउट किए हैं जिसमें फर्स्ट है नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम एंड सेकेंड वन इज चीफ मिनिस्टर एजुकेशन एडोनमेंट फंड. तो इन दोनों को हम आज डिस्कस करेंगे जी. तो आज हम इसमें आई बी ए कराची स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट डिस्कस विद नेशनल टैलेंट हंट्स प्रोग्राम. और इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. तो ये गूगल में आप लिखेंगे नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम और इसमें सबसे पहले अगर आप इसका थोड़ा बायोडाटा पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिस्ट्री एंड टाइमलाइन से इसको पढ़ सकते हैं. सेकंडली वो गो फॉर इंट्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज प्रोग्राम आउटलाइन वाई एनटीएचपी सुपरविजन क्या है. तो यहाँ से आप उसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं. द सेकंड वन इज अप्लाई हु कैन अप्लाई हाउ टू अप्लाई डेट्स एंड डेडलाइन सिलेक्शन प्रोसेस डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. द थर्ड वन इज फैसिलिटीज यानी जो आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे उसमें कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो इसमें इंक्लूड होंगी. द फर्स्ट वन इज़ द टीचिंग मॉनिटरिंग एकोमोडेशन मैथ्स ट्रांसपोर्ट स्टिपेंड आईटी फैसिलिटी एंड अदर जो आप यहां से चेक कर सकते हैं. तो उसके बाद आपका है एनटीएचपी टेस्ट प्रिपरेशन यानी जो आप यहाँ पर टेस्ट देने आएंगे तो उसमें आपने टेस्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है सजेस्टेड बुक्स क्या हैं पास्ट पेपर सैम्पल्स इज अवेलेबल हेयर. नेक्स्ट वन इज़ IBA टेस्ट प्रिपरेशन यानी अगर आप IBA में एज एन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कौन से ऐसी मतलब कोर्स आउटलाइन है जो यहाँ पर अवेलेबल है जो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं. बाकी इनके इंस्ट्रक्टर्स भी यहाँ सर आप देख सकते हैं और कॉन्टैक्टर्स भी इनके अवेलेबल है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका इंट्रोडक्शन करें तो IBA Ihsan Trust नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम इस फुली फंडेड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जॉइंटली फाइनेंस्ड बाय Ihsan Trust एंड IBA Karachi. सो दिस इज mutual cooperation program from IBA Karachi and Ihsan Trust for the deserving students from Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa, FATA, Gigli Baltistan, Punjab, Sindh and AJK. और इसमें जो है students को एक तो admission process in BA and BS degrees in IBA Karachi यानी कि आप इस scholarship के बाद IBA Karachi में available हों यानी appear हो जाएंगे for BBA and for BS degree. उसके बाद इसमें लिखा हुआ है दी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एम्फेसाइज ऑन एकेडमिक एज वेल एज पर्सनल ग्रूमिंग एंड द डेवलपमेंट इम्पार्ट स्किल्स सेट्स रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन. तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था जी जो आपके सामने मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया. उसके बाद प्रोग्राम आउटलाइन में कुछ इस तरह है कि जो इसमें अप्लाई करेंगे जो इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे स्टूडेंट उनके लिए इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर साइंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स सोशल साइंस लिबरल आर्ट जो है इसमें वो एडमिशन ले सकते हैं. टू मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम IBA Karachi में फॉर प्रिपरेशन ऑफ एडमिशन इन टू BBA एंड BS डिग्री प्रोग्राम्स. उसके बाद सिलेक्टेड स्टूडेंट जितने भी होंगे उनको ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और ट्रेनिंग जो है वो आपकी तीन चीज़ों पे होगी. एक तो इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन मैथमेटिक्स एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल. प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इज रिकॉर्डिंग एज अ बैकबोन इन यूनिवर्सिटी फॉर द स्टूडेंट्स. उसके बाद ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपकी जो है वो कंडक्ट करेगा IBA फैकल्टी और उनके जो मेंटोर्स होते हैं. और जब आपकी ओरिएंटेशन कम्प्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप IBA के एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अपीयर होंगे जो BBA और BS डिग्री प्रोग्राम्स के लिए है. तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मेरिट पे सिलेक्ट होंगे और उनको एडमिशन ऑफर किया जाएगा BBA में BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BS सोशल साइंस एंड लिबरल आर्ट्स यानी ये अकॉर्डिंग टू फील्ड है कि जो जिस फील्ड में भी जाना चाहे. BS इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में उनको 100% स्कॉलरशिप ऑफर किया जाएगा और तमाम उसमें फैसिलिटीज़ होंगी यानी आपका ट्यूशन फ़ी और अदर फैसिलिटीज़ यानी कि जो आपको 4 ईयर तक रिक्वायर्ड होती हैं. तो समर सेमेस्टर इज नॉट कवर्ड इन IBA IT एंड TGP. उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स जो इसके मुताबिक सेलेक्ट किए जाएंगे उनको कम से कम 2.5 CGPA मेंटेन रखना पड़ेगा और अगर उससे वो मतलब बिलो कर जाता है तो उसमें फिर प्रोबेशन एक लगा दी जाएगी और अगर उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं आती तो फिर वो आगे अपनी स्टडी को प्रोसीड नहीं कर सकेगा.
तो ये तो इंट्रोडक्शन था नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम का। इसके बाद नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है, इसमें हम जो नेक्स्ट चीज़ आपके लिए मैंने सॉर्ट आउट की है वो है अप्लाई, यानी आप इसमें कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अप्लाई कर सकते हैं या कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है मैट्रिक, यानी मैट्रिक में आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, और उसके बाद आप फर्स्ट ईयर में अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस टाइम फर्स्ट ईयर में एडमिशन है आपका और आप 70% मार्क्स ले चुके हैं तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस टाइम सेकंड लेवल पर हैं। उसके बाद अगर आपने स्टूडेंट हुए एमसीक्यू 70% मार्क्स अबव इन HSC 2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ पाकिस्तान तो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दो वे से। एक वे ये वाला है कि यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एंड द सेकंड वन इज टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू मैनुअल फॉर्म। तो एक तो आप ऑनलाइन यहाँ से अप्लाई करेंगे और दूसरा आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। तो ऑनलाइन के लिए यहाँ पर लिंक पे ओपन करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई कर लेंगे। डेट्स एंड डेडलाइंस भी आपके सामने मेंशन है जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी सबसे पहले इनका एडवर्टाइजमेंट अनाउंस होता है और अभी अनाउंस होगा, उसके बाद 1 से 15 फेब तक आपकी लास्ट डेट होगी, फिर इनका NTHP असेसमेंट टेस्ट होगा, फिर उसके बाद NTHP का असेसमेंट रिजल्ट शो होगा, फिर पैनल इंटरव्यू, फिर रिजल्ट ऑफ पैनल इंटरव्यू, फिर रिपोर्टिंग डेट, फिर ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के बाद भी आपको एक ऐसा टेस्ट देना पड़ता है जिसको एंटर टेस्ट IBA कहते हैं, तो उसके बाद भी आप अप्लाई करेंगे। तो ये टोटल 8 स्टेप्स हैं जी, इन 8 स्टेप्स से आप प्रॉपर यानी कि फिल्टर हो के उसके बाद जो स्टूडेंट्स जो है वो फाइनल सेलेक्ट किए जाते हैं, और इसमें इस तरह का प्रोसीजर है। ये ऑनलाइन प्रोसीजर है जी फॉर द नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम। तो इसमें फॉर सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर, और फॉर द नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम अभी सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एडमिशन डेट्स हैं, और यहाँ से अगर आप बैक रिवर्स करेंगे तो नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम है, दिस इज़ ऑन द नेशनल लेवल। तो इसमें ये कोर्स आउटलाइन मेंशन है, अगर आप जो आपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है यानी NTHP का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो MCQs बेस है, और मैट्रिक और FSC पार्ट वन का जो करिकुलम है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन मैथमेटिक्स में भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है वोकैबुलरी, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, फिर एरर आइडेंटिफिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्लॉज पैसेजेस, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, टेंसेस और मॉडल वर्ब, फिर वर्ब आर्टिकल एंड प्रपोजिशन, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट जो होता है, फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉज, फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड पंचुएशन। तो ये आपका इंग्लिश में है। मैथमेटिक्स में आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पर मेंशन है, जिसमें सेट्स एंड नंबर सिस्टम्स है, फैक्टराइजेशन है, एजुकेशन है, एक्सप्रेशन है, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है, और सेंटेंस एंड मैनिपुलेशन वगैरह इसमें यानी ये तमाम इंक्लूड हैं। टेस्ट पैटर्न यानी कि जो इनका पैटर्न है, यानी कि अब दो सब्जेक्ट ही आप इसमें सिर्फ तैयार करेंगे, एक इंग्लिश और एक मैथमेटिक्स। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे आपको सैम्पल पेपर मेंशन है, आप इंटर सैम्पल पेपर कोई भी क्लिक करके और यहाँ से डाउनलोड करके आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये उनका एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें ये देख सकते हैं हम, नाइदर बिल नॉर मैरी। आप यहाँ पर आप जो भी आपको देखें टुडे यानी अकॉर्डिंग टू टेंस जो है आप यहाँ पर यानी कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसमें नाइदर विल नॉर मैरी। अब यहाँ पर आपको खुद देखना है कि यहाँ पे इज लगेगा या फिर आर इस्तेमाल होगा। तो दो इसमें अब सब्जेक्ट हैं, आप खुद यहाँ से देख लें। तो ये आप देख सकते हैं, जी तो ये इनका सैम्पल पेपर है जी, और इन सैम्पल पेपर में जो है यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने किस तरह जो है इसको क्लियर करना है। उसके बाद IBA कराची का कोर्स आउटलाइन हो गया। अब हमने एक चीज़ हमारी लास्ट इसमें रह गई है, वो है IBA टेस्ट प्रिपरेशन कोर्स आउटलाइन, यानी कि ये IBA जो है इसकी
ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके लिहाज से अगर कोई डिटेल होती तो मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करता। फाइनली ये तमाम आईबीए कराची का एक नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम था जो आप स्टूडेंट्स के लिए था, जो मैंने आपसे डिटेल डिस्कस किया। इसमें खैबर पख्तूनख्वा टैलेंट हंट प्रोग्राम है, इसमें बलूचिस्तान टैलेंट हंट प्रोग्राम भी सेपरेटली है। तो बलूचिस्तान टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो आई बी ओ जी डी सर के पी के टैलेंट हंट प्रोग्राम, ये जब अनाउंस होते हैं तो उसमें जो है इसमें के पी के जो हैं वो स्टूडेंट्स के पी के और फाटा के, तो इसमें इनकी जो ग्रूमिंग है वो अकॉर्डिंग टू इनका जो अपना ऐड होता है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है उसके अलावा बलूचिस्तान टैलेंट हंट प्रोग्राम यानी कि ये बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें भी तमाम वही जो है वो अवेलेबल हैं जो आपके लिए स्कॉलरशिप्स इसमें हैं। बाकी इसमें चीफ मिनिस्टर एजुकेशन फंड जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से है, ये देख सकते हैं जी, ओरिएंटेशन सेरेमनी फॉर ओजीडीसीएल टैलेंट हंट प्रोग्राम एंड नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम। तो आप नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, फिलहाल जो मैंने वीडियो बनाई है वो इसी पर है। बाकी अगर आप ओजीडीसीएल या बलूचिस्तान टैलेंट हंट या सिंध टैलेंट हंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप फर्दर जो है उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, आईबीए कराची स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, और इसमें कोई कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी आइडिया हो कि आफ्टर मैट्रिक और एफएससी वो कैसे एक अच्छा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर गेन किया करें अपनी लाइफ में, अपॉर्चुनिटीज़ चाहे आपको सक्सेस मिले या ना मिले, बट यू कैन गेट दैट एक्सपीरियंस, यानी कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ से ज़रूर गेन होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।